रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाइटमेयर्स। नॉर्मली लोग नाइटमेयर से बाहर आने के लिए जाग जाते हैं, लेकिन मेरा केस नॉर्मल थोड़ी ना है, क्योंकि मेरी लाइफ ही नॉर्मल नहीं है। एंड आई गेट अप फ्रॉम अ नाइटमेयर सो दैट मैं असली जिंदगी के नाइटमेयर में एंटर कर सकूं। सुसाइड, ये लोग करते हैं मरने के लिए, बट इस सुसाइड अटेम्प्ट में कोई नहीं मरने वाला है, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू सी। मेरी मॉम 7th टाइम सुसाइड करने की कोशिश कर रही हैं, कोशिश, क्योंकि मेरे घर पे ये सब एज नॉर्मल एज ब्रीदिंग है। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है, कौन से नंबर पे कॉल करना है, कौन सी नस कटती है तो कितना खून बहता है। एक फैक्ट चेक देती हूँ, 7 से 8 मिनट में एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, तो उससे पहले ब्लड फ्लो को रोकना। एक बार हॉस्पिटल आ गए तो पेशेंट को तो स्टेबल किया जा सकता है। ट्राई किया, फिर से ट्राई करना। उनके साथ वालों का टफ टाइम तो अब शुरू होता है। एज आई सेड, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम, 7वीं बार, 7 टाइम्स सुसाइड करने की कोशिश कर रही है मेरी मॉम। अगेन, अब तो इन लोगों के लिए भी ये कैजुअल अफेयर बन चुका है। काजल, फिर से उसी आदमी के लिए, ये 7वीं बार है। शी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि तुम अडॉप्टेड हो। I know. अंदर कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई न्यू इट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7th टाइम, आई एम क्वाइट प्रो विद ऑल दिस, बट द नाइट इज नॉट ओवर येट। 7वीं बार था, लेकिन था तो सुसाइड अटेम्प्ट ही। हेंस नाउ कॉप्स विल कम विद द सेम ओल्ड 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, डिप्रेशन था, कोई इशू तो होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई मेडिकेशन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4, आप कहाँ थी, आपने ध्यान क्यों नहीं रखा। क्वेश्चन नंबर 5, ये पहली बार हुआ क्या। सारे क्वेश्चन याद हो गए थे और उनके आंसर्स भी। यू सी, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम। हाउ आर यू फीलिंग? हैंग ऑन। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक्सक्यूज मी, दिस कैन नॉट बी ट्रू। हाउ एम आई डूइंग? पहली बार किसी कॉप ने पेशेंट के बारे में नहीं, बल्कि उसके साथ वाले की खैरियत के बारे में पूछा है। इस 6th क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है, या शायद मैं जवाब नहीं देना चाहती। नहीं, ये पहले भी हो चुका है, तो मुझे लगा आपके लिए टफ होगा, मतलब अपनी आई को संभालना। नो, आई वोंट आंसर दिस। हाउ कैन ही नो कि मैं वल्नरेबल हूँ इस मोमेंट पे। एनीवे, माय वॉल्स आर अप एंड आई विल शो हिम। आई डोंट लाइक पर्सनल क्वेश्चंस, एक्सक्यूज मी। मैं इस लड़की से ये सवाल कैसे पूछ सकता हूँ? What made me ask this to her? शायद इसलिए क्योंकि ये मुझे कुछ अपनी सी लगी। कितनी स्ट्रेंज बात है कि आज 14th फेब है, वो दिन जिस दिन मैंने अपनी पूरी फैमिली को खोया था। 14th फेब्रवरी को लोग अपने लवर्स को याद करते हैं, और मैं अपने लव्ड वंस को। कितना आयरोनिकल है कि मैं अकेला हूँ और ये लड़की अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी बिल्कुल लोनली, मेरी तरह। लोनली लोगों की शायद यही प्रॉब्लम होती है, दूसरों का अकेलापन फटाक से नजर आ जाता है। येट बेटर ऑफ फ्रॉम दोज जो पता नहीं कितने मास्क लगा के जी रहे हैं।